यदि आपके घर में भी शादी की उम्र वाले युवक युवती हैं और आप उनकी शादी के लिए परेशान हो रहे हो तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में बेटी बेटा की शादी के योग बनेंगे। आपको इस उपाय करने के लिए कोई बड़ा खर्च नहीं करना है। टेरो कार्डर के अनुसार यह उपाय बताया गया है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको इसके लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं है। जब लोकल 18 की टीम ने टेरो कार्डर क्रिस्टल थेरेपिस्ट सिद्धि बरोले से बात की तो उन्होंने अपनी ओर से उपाय बताए। उन्होंने बताया कि आपके घर में शादी की उम्र के युवक युवती है तो उनके शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको परेशान होना नहीं है। उस युवक युवती को गुरुवार के दिन सबसे पहले सुबह स्नान कराना है, जिसके बाद उसे बेसन के 108 लड्डू बनाना है और यह लड्डू पीले कपड़े में बांधकर शिव जी को अर्पण करना है और मन में शिव जी से प्रार्थना करना है कि मेरी शादी के योग जम जाए। दूसरा उपाय, आपको नहाते समय हल्दी और केसर मिलाकर उस पानी से स्नान करना चाहिए। तीसरा उपाय, आप यह भी कर सकते हैं कि आप दिन में एक बार सुबह के समय केसर खाएं। जब आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको एक मुख्य रूप से बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बिना नहाया हुआ व्यक्ति उस उपाय में लगने वाली सामग्री को हाथ न लगाए और आपको भी यह उपाय करने से पहले स्नान करना चाहिए। नोट, यह खबर टेरो कार्ड रीडर क्रिस्टल थेरेपिस्ट सिद्धि बरोले के अनुसार दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। में यदि परेशानी बनी हुई है तो क्या उपाय है आपकी ओर से? ओके, सो हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आई एम सिद्धि बरोले, स्पिरिचुअल हीलर एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच। सो अगर शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि रिश्ते आ भी रहे हैं लेकिन किसी कारण से वो काम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप एक उपाय कर सकते हैं कि जब भी आप नहाने के लिए जा रहे हैं, अपनी पानी में आपको एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा केसर आपको मिला के नहाना है। इससे ना आपके शादी के योग जल्दी बनेंगे। साथ ही जितना हो सके केसर आपको खाना भी है, थोड़े दो तीन केसर के दाने आप मुंह में डाल लीजिए और इंटेंशन ये रखिए कि मेरे शादी के जल्दी जो योग है वो बनना शुरू हो जाए। और दूसरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को दिया है जिनको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार आप ले सकते हैं, उस दिन आपको जल्दी उठना है, पीले वस्त्र धारण करके आपको बेसन के लड्डू बनाना है 108, और 108 लड्डू बनाने के बाद आपको पीले वस्त्र में उसको रैप करके बांध कर आपको शिव मंदिर पर उसको अर्पण करना है। माँ पार्वती का ध्यान करके कहना है कि हे ईश्वर, मेरे शादी के योग जल्दी बन जाए, और अपनी तरफ से दक्षिणा चढ़ाकर आप उसे ब्राह्मण को दान कर सकते हैं।